हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और दिवाली प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से करे होंगे। और ये जो वीडियो है मेरा, ये वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। कल है दिवाली और दिवाली के दिन मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी। तो मैं आज ही आप लोगों को बता देती हूँ कि हैप्पी दिवाली। और आज इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा दिवाली होम डेकोर। एक्चुअली मैंने घर के लिए काफ़ी सारा सामान खरीदा है डेकोर करने के लिए, लिविंग रूम के लिए और हम लोगों की बेडरूम के लिए। तो उस सामान को मैं एक एक करके आने के लिए वेट कर रही थी। सारा कुछ मैंने ऑनलाइन से ही परचेज़ किया है, तो सारा सामान मेरा कल जाकर ख़त्म हुआ है। तो फाइनली अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दिवाली होम डेकोर के कुछ। तो अभी मैं एक एक करके आप लोगों के साथ सामान जो है वो शेयर करूंगी और उसके बाद मैं होम डेकोर करूंगी उसी सामान से। मैंने इस टाइम पे मैंने इस दिवाली पे इतना सारा सामान नहीं परचेस की है, लेकिन जितना भी मैंने परचेस किया है वो एनाफ है घर को सजाने के लिए। तो चलिए देर नहीं करके आपको मैं सामान दिखाती हूँ। और मैंने काफ़ी सारा दिवाली के टाइम पे घर के लिए शॉपिंग की थी, इस टाइम भी मैंने किया है, लेकिन उतना नहीं जितना लास्ट टाइम मैंने की। और मैंने इस बार हम लोगों की बेडरूम के लिए भी शॉपिंग किया है। तो चलिए देर नहीं करके स्टार्ट करें। तो यहाँ पे देखिए, इस बॉक्स के अंदर पूरा सामान है और यहाँ पे भी है। तो ये बॉक्स, ये कुही का हगीज का बॉक्स है डायपर का। तो मैंने यहाँ पे ही सारा सामान लाकर एक साथ करके मुझे सारा सामान मिल जाए आप लोगों को दिखाने के टाइम पे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये कर्टेन। ये कर्टेन मैंने फ्लिपकार्ट से, मैंने ये सारा सामान फ्लिपकार्ट से भी परचेज़ किया है, क्योंकि मुझे फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। और वहाँ पे आज तक मैंने जितना भी शॉपिंग किया है, कुछ भी मेरे साथ गलत सामान या फिर फ्रॉड नहीं हुआ है। ये मैंने अपने लिविंग रूम के लिए दो कर्टेंस मंगवाए हैं। ये कर्टेंस जो है काफ़ी सुंदर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये 7 feet का है और इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने जो कर्टेंस परचेस किया, मिलता जुलता है लास्ट टाइम का जो कर्टेंस है उसी के साथ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरे घर पे बहुत ही अच्छे से मैच होगा। और लास्ट टाइम मैंने ब्लू थीम रखा था, दिस टाइम मैंने रखा है ऑरेंज या फिर गोल्डन के साथ। तो सेम कर्टन मैंने दो मंगवाए हैं लिविंग रूम के लिए। और ये जो कर्टन है ना, ये मैंने कॉटन पे ख़रीदा है, क्योंकि आजकल कॉटन कर्टन से ज़्यादा यूज़ करते हैं आते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता है आजकल। नेक्स्ट मैंने कुशन कवर ऑर्डर किया है और ये भी काफ़ी सुंदर सा कुशन कवर है। तो ये येलो कलर पे है, वो जो येलो कलर का जो कुशन कवर है ये मैंने बेडरूम के लिए मंगवाया है और ये मैंने लिविंग रूम के लिए मंगवाए हैं। ये वाला कुशन कवर मैंने लिविंग रूम के लिए मंगवाया है, प्यारा सा कुशन कवर है। इसका प्रिंट थोड़ा सा फ्लोरल में है और थोड़ा सा गोल्डन और ऑरेंज कलर का टच दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है ये। एंड नेक्स्ट मैंने ये एक डाइनिंग रनर ऑर्डर की थी डाइनिंग के लिए, जो गोल्डन के साथ थोड़ा सा मैच हो रहे हैं और ये फ्लोरल में ही है। इस टाइम पे मैंने अपना थीम थोड़ा सा फ्लोरल रखा है, बहुत ही अच्छा लगा, इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा। और एक रनर ऑर्डर किया है, ये थोड़ा सा गोल्डन वाइट के कलर पर जा रहे हैं। ये मैंने एक्चुअली इसके लिए ऑर्डर किया है, यहाँ पे एक येलो कलर का रनर मैंने लास्ट ईयर बिछाया था, तो ये वाला मैंने लाए हैं क्योंकि ये मेरे सोफ़ा कवर के साथ थोड़ा सा मैच हो रहे हैं। तो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है ये येलो कलर का कर्टन, ये इसका तो क्वालिटी और भी अच्छा है। ये कॉटन है और इसका क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पास से देखिए कितना अच्छा है इसका क्वालिटी। ये जो कर्टन है मैंने परचेस किया है एक यहाँ के लिए लिविंग रूम के लिए और एक बेडरूम के लिए, दोनों पर्दे के बीच में मैं ये येलो कलर का कर्टन्स दूंगी। कर्टन्स ऑर्डर किया है, ये भी कॉटन में ही है और प्रिंट भी फ्लोरल में है और वाइट कलर में है, जो मेरे बेडरूम के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बीच में ये कर्टन्स में दूंगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके का कर्टन्स मैंने 4 ऑर्डर की है। नेक्स्ट मैंने ये एक बेडशीट जैसे ये स्टील का
ही प्यारा सा बेडशीट मैंने लाए हैं। ये मैंने फैंसी बाजार से दुर्गा पूजा के टाइम पे जब मम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी उसी टाइम पे मैंने ये बेडशीट खरीद करके लाई, क्योंकि ये बेडशीट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसका क्वालिटी भी अच्छा है, प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ऊपर से ये बहुत ही बड़े साइज का है और इसका जो प्राइस है मम्मी बहुत ही ज़्यादा बर्गेनिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने बर्गेनिंग कर करके ये 550 पे हम लोगों ने 3 लाए हैं, मम्मी 2 और मैंने 1 लाए थे। सो नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है ये वाला, ड्राइंग रूम के लिए मैंने ये परचेज़ किया है रग, और ये है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है तो मैं थोड़ा सा ही आपको दिखाऊंगी। फ्लोर रनर जो मैंने बेडरूम के लिए मंगवाया है काफ़ी अच्छा है और ये नॉन स्लिपी है, यहाँ पे कुछ स्लिप नहीं करने के लिए लगाया हुआ है। एक्चुअली हम लोगों का वो जो फुट रनर है बेडरूम में वो तो लगभग 5 साल हो गया, तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा चेंज भी करना है, बेडरूम का लुक भी पूरा पूरी तरीके से चेंज कर लूँ। इसको सोचकर मैंने पूरा घर का शॉपिंग कर ली और तो चलिए अभी बेडरूम को और लिविंग रूम को डेकोर करते हैं। सो फाइनली मैंने घर को अपने हिसाब से सजा लिया है और ये एक्चुअली गौतम के लिए नेक्स्ट ईयर जैसा ही सरप्राइज़ है। गौतम को पता नहीं मैंने क्या शॉपिंग किया है घर के लिए, तो वो जब ऑफिस से आएंगे ना तब वो सरप्राइज़ हो जाएंगे।
एंड फाइनली घर दिवाली के लिए तैयार हो गया है। सो अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिखाऊंगी ये 7 साल का इंतज़ार का फल। ये हम लोगों ने कस्टमाइज़ करके बनवाया है पूजा यूनिट। यहाँ पे मैं भोग वगैरह जब भगवान को लगाऊंगी यहाँ पे दे सकूंगी। और उसके साइड पे ड्रॉअर बनाया है, ड्रॉअर में भी काफ़ी सारा जगह है और ड्रॉअर भी काफ़ी बड़ा बड़ा साइज़ का है। तो ये दो ड्रॉअर है यहाँ पे और नीचे भी एक खाली यूनिट है जहाँ पे ढेर सारा सामान आ जाएंगे। और ये है और एक स्पेस यहाँ पे हम लोगों का जो इन्वाइटर है ये यहाँ पे जाएंगे। तो देखिए फाइनल लुक ये है पूजा मंदिर जो हम लोगों ने इवनिंग टाइम पे ही लाए थे धनतेरस के दिन। तो मेरा 7 साल का सपना अभी जाकर पूरा हुआ है। शादी के बाद बहुत साल से मैं सोच रही थी कि अच्छे से पूजा मंदिर बनाऊंगी। बाहर से एक मंदिर खरीद कर ला सकती हूँ लेकिन नीचे का जो हम लोगों ने घर पे कस्टमाइज़ करके ये बनाया है ना, ये अचानक से डिसाइड करके हम लोगों ने नहीं बनाया है। बहुत सालों से हम लोग सोच रहे थे कि इस डिज़ाइन में होगा। तो ये देखिए इन्वाइटर भी हम लोगों का देखा नहीं जाएंगे अभी और इसके ऊपर आ जाएंगे पूजा मंदिर। तो फाइनली हम लोगों का पूजा यूनिट बनके तैयार है और यहाँ पे हम लोगों ने वॉर्म लाइट लगाया है ताकि इसका लुक जो है एकदम बहुत ही अच्छा आ जाए। और वॉर्म लाइट वैसे भी अच्छा लगता है फर्नीचर्स वगैरह में। तो अभी है पूजा मंदिर को सजाने का बारी और ये तो ऑब्वियसली मैं ही करूँगी। तो चलिए अभी पूजा मंदिर को भी अच्छे से सजा लेते हैं।